अस्सलामु अलैकुम, मैं सदफ आपको अपने YouTube चैनल आपी टीवी ऑफिशियल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ईद से पहले हाथों पाँव का रंग गोरा करने के लिए दो बेहतरीन कुदरती टोटके। अगर आप ईद पर अपने हाथों पाँव को गोरा बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आज हम आपको दो बेहतरीन मास्क बनाना सिखाएंगे, जिससे हाथों पाँव की तमाम स्याही दूर होगी और आपके हाथ पाँव गोरे निखरे हो जाएंगे। पहला, खीरे का मास्क। सबसे पहले बर्तन में दो चम्मच खीरे का पेस्ट लें और इसमें आधे नींबू का रस डालकर दोनों को मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को 20 मिनट के लिए हाथों पाँव पर लगाएं। दूसरा, बेसन का मास्क। बेसन का इस्तेमाल स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है और बेहतरीन कुदरती चीज़ है। दो चम्मच बेसन लेकर गुलाब का अर्क मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिक्सचर को हाथों पाँव पर लगाएं और जब खुश्क हो जाए तो रगड़ कर उतार लें। इन दोनों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ईद तक आपके हाथ पांव काफ़ी निखरे हुए और नरम हो जाएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।